पता नहीं दुकान बिके की बिके नहीं, और अगर बिक भी गई तो क्या हमें बर वक्त इतनी रकम मिल जाएगी? मुझे लगता है हमें इस बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, हम कुछ और सोचते हैं। कुछ बेटा, हम बिल्कुल ही बेयार और मददगार हैं। अल्लाह ही हमारी गैब से मदद फरमाए, और अगर ये कोई आजमाइश है तो अल्लाह हमें इतनी हिम्मत और हौसला दे, और अगर ये कोई मुसीबत है तो अल्लाह ही इसे टाले। अम्मी जी, अगर आप इजाजत दें तो मैं शकील से बात करूं। क्या उनके पास इतने पैसे हैं? पता नहीं, पर अगर वो चाहें तो इंतजाम करके दे सकते हैं। हमें तो कोई खर्च भी नहीं देगा। हमें बेटा, कह तो आप ठीक रही हैं, लेकिन शकील मियां से पैसे लेने का मतलब यही हुआ ना कि हमने अपनी इज्जत नफ्स का सौदा कर लिया। नवाब साहब की तबीयत बिगड़ने का सबब भी यकीनन शकील मियां ही है। नवाब साहब कह रहे थे कि शकील मियां उनको बेटियों के नाम पर धमकाते हैं, कहते हैं कि मैं भी देखूंगा कि कैसे बेटियों का रिश्ता करते हैं। आप जानती हैं कि आप तीनों में नवाब साहब की जान बसती है। इसी परेशानी को लेकर ही तो उनकी तबीयत बिगड़ी है। अब आप हमें बताएं कि हम कैसे कैसे शकील मियां के आगे अपना हाथ फैलाएं, जबकि इन सब की वजह शकील मियां है। अम्बिसी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, पर हमारे पास कोई और चारा भी नहीं है। मांग लेने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अब्बा जी की जान से बढ़कर और कुछ नहीं। ठीक है, आप अपनी सी कोशिश करके देख ले। सोनू सोनू।